नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 13 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट हुआ जारी। राज्य में मूंग के बीज आवंटित करने में आई गड़बड़ी। राज्य के सभी निकायों में बनेंगे मटेरियल रिकवरी सेंटर। कल से देख सकते हैं आंधी बारिश के आसार। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोरोना के मामले में मिली थोड़ी राहत। बिहार में लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। महज 24 घंटे में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 2,999 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या बढ़कर के 2,86,228 पर पहुंच गई है। वहीं टॉप 3 प्रभावित जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 1,197 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही गया में 184 और भागलपुर में 161 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 636 मरीज ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,67,559 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 1,616 लोगों की जान जा चुकी है। एनटीपीसी ने स्पेशलिस्ट और एग्जीक्यूटिव के 35 पद पर निकाले रख दिया। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आधिकारिक वेबसाइट पर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव और स्पेशलिस्ट के पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट ntpccareers.net पर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन भरने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल है। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसकी पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर साझा कर दी गई है। समस्तीपुर के खुदनेश्वर धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जिले के मोरबा का खुदनेश्वर धाम सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। इस मंदिर के एक ही छत के नीचे मुस्लिम महिला खुदनी बीबी की मजार और शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का बेमिसाल उदाहरण खुदनेश्वर धाम की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी। मंदिर का नाम खुदनी मुस्लिम महिला के नाम पर रखा गया है, जिन्हें इस स्थान की खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला था और तत्पश्चात वो भगवान शिव की भक्त बन गई थी। चैत्र नवरात्रि की आज से होगी शुरुआत। हर साल नवरात्रि साल में दो बार मनाई जाती है। इसी क्रम में इस बार भी साल के पहले नवरात्र की शुरुआत आज से ही हो रही है, जो कि 21 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसके बाद आज से मां दुर्गा के अलग अलग रूप की उपासना की जाएगी। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के अनुसार पिछले साल की तरह इस साल भी केवल घरों में ही पूजा पाठ होगी। इस साल नवरात्र के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, स्वार्थ सिद्धि योग्य और अमृत सिद्धि योग्य आदि शुभ मुहूर्त रहेंगे। इन्हीं शुभ मुहूर्त में घरों में कलश की स्थापना की जाएगी। विधान परिषद और बंधन बैंक में भारी संक्रमण। कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार विधान परिषद और बंधन बैंक में जबरदस्त संक्रमण देखने को मिला है, जिसके तहत बिहार विधान परिषद में काम करने वाले एक कर्मी की जान कोरोना के कारण चली गई है। सहायक के पद पर कार्यरत अरुण राम की जान चली गई है। वो पिछले एक सप्ताह से कार्यालय नहीं आ रहे थे। जानकारों की माने तो संक्रमित सहायक के ऑफिस नहीं आने के बावजूद विधान परिषद में काम करने वाले लगभग एक दर्जन पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके साथ ही पटना के बंधन बैंक में भारी संक्रमण देखने को मिला है, जिसके तहत बैंक के एक दर्जन पॉजिटिव पाए गए हैं। आशियाना स्थित बंधन बैंक की शाखा को उसके बाद से बंद कर दिया गया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट हुआ जारी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के तहत 11,880 रिक्तियों में से 11,838 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसके तहत ही सफल अभ्यर्थी चयन परिषद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। केंद्रीय चयन परिषद के अनुसार इस भर्ती का विज्ञापन अगस्त 2019 में जारी किया गया था। सिपाही की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा पिछले साल 12 जनवरी और 8 मार्च को ली गई थी, जिसके बाद लिखित परीक्षा का रिजल्ट 8 जून 2020 को जारी कर दिया गया था, जिसके बाद परीक्षा में 59,402 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल पाया गया था। इसी के तहत सफल अभ्यर्थियों को फाइनल मेरिट लिस्ट में भी चयन किया गया। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन निर्माण में अभी हो सकती है देरी। राजधानी पटना से जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के बनने में अभी और वक्त लग सकता है। बीते वर्ष कोरोना की पहली लहर ने यहां निर्माण कार्य को प्रभावित किया था। वहीं अब दूसरी लहर के बाद कई क्षेत्रों में गतिविधियों में सख्ती होने के कारण एक बार फिर से निर्माण का काम धीमा हो चला है, जिसके तहत 20-30% क्षमता से ही कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि इन सब के बीच टर्मिनल के बनकर तैयार होने का काम 1.25 साल आगे चला गया है। इसके तहत ही दिसंबर 2021 की जगह अब इसके मार्च 2023 में बनकर तैयार होने की बात कही जा रही है। हालांकि एयरपोर्ट के ही प्रवेश द्वार के पास बन रहा मल्टी लेवल पार्किंग और नए टर्मिनल के पास बन रहे फ्लैट नुमा स्टाफ क्वार्टर बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसे अब केवल फिनिशिंग टच देना बाकी रह गया है।
राज्य के सभी निकायों में बनाए जाएंगे मटेरियल रिकवरी सेंटर। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2 के तहत बिहार के सभी शहरी निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत इन सेंटरों पर घरों से निकलने वाले वैसे सूखे कचरों को जमा किया जाएगा जिसको बाद में रिसाइकिल किया जा सके और नए पदार्थों का निर्माण किया जा सके। इसके लिए सभी नगर निकायों से इस सेंटर को बनाने के लिए DPR की मांग की गई है जिसके बाद सेंटर का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के एडिशनल मिशन डायरेक्टर नवीन कुमार अग्रवाल ने सभी नगर निकायों को पत्र भेजकर स्वच्छ भारत मिशन के अगले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है जिसके तहत इस काम को जन आंदोलन के माध्यम से जोड़ने पर जोर दिया गया है। राज्य में गर्मा मूंग बीज के आवंटन में आई गड़बड़ी। बिहार सरकार द्वारा आवंटित किए गए गर्मा मूंग के बीज अभी तक सही ढंग से किसानों को नहीं मिल पाए हैं। इसके तहत राज्य भर के किसानों के बीच वितरण के लिए मूंग का 3221 क्विंटल बीज का वितरण किया जा रहा है जिसके लिए ही सरकार ने मार्च महीने में ही 1885 क्विंटल बीज सभी जिलों में कृषि पदाधिकारियों तक पहुंचा दिया था जिसका आवंटन किया जाना था मगर अधिकारी उसका आधा भी वितरित नहीं करवा सके हैं। यही हाल तब देखा जा रहा है जब कम सब्सिडी मिलने के कारण लक्ष्य को पहले से ही कम कर दिया गया है। कई जिलों में जिला कृषि पदाधिकारियों ने OTP को जारी नहीं किया है जिसके कारण ही 15 मार्च से पहले तक मूंग की बीज किसानों तक मात्र 20 क्विंटल ही पहुंच पाई है। वहीं लक्ष्य को समय से पूरा करने के उद्देश्य से कृषि निदेशकों ने अधिकारियों को टारगेट पूरा करने का निर्देश दिया है। राज्य में कल से देख सकते हैं आंधी पानी के आसार। मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है जिसके तहत कल यानी कि 14 अप्रैल से दक्षिण बिहार में आंधी बारिश के आसार देखे जा रहे हैं जिसके कारण हीट वेव के बाद की स्थिति को बताया जा रहा है जिसके बाद 14 अप्रैल से राज्य के दक्षिणी भाग में पूर्वा हवा बहने का अनुमान है जिसके कारण बादल बनेंगे। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और आंधी बारिश की स्थिति बन सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि आज से हवाओं का रुख पूर्व और दक्षिण पूर्व होने के आसार हैं। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त हवाएं भी झारखंड होकर राज्य के दक्षिणी हिस्से में पहुंचेगी। अब कोरोना जांच के सैंपल के साथ सॉफ्ट कॉपी को भी भेजा जाएगा लैब। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए राज्य में जांच के दायरे को बढ़ा दिया गया है। वहीं अब RT-PCR की जांच समय पर उपलब्ध हो सके इसके लिए जिला स्तर पर किए गए सभी कोरोना जांच के सैंपल के साथ ही उसकी सॉफ्ट कॉपी लैब के नोडल पदाधिकारी को भेजनी होगी। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को सैंपल से संबंधित जानकारी कोविड पोर्टल पर डालने और इसके बाद पोर्टल से SRF फॉर्म और सैंपल की एक्सेल शीट को सत्यापित कर लैब भेजने का निर्देश दिया है। वहीं ये भी कहा गया है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी बरती जाएगी। आपको बता दें कि इसकी मदद से विभाग को कुल सैंपल की संख्या की सटीक जानकारी मिल सकेगी। सीएम नीतीश की सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कोरोना महामारी के बढ़ते विस्तार के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी दलों के विधायक मौजूद रहने वाले हैं मगर इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बैठक की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं जिसके तहत बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार सरकार ने पिछली रोटी खाई है इसलिए पीछे ज्ञान होता है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा सत्र के दौरान ही मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि कोरोना की स्थिति भयावह होने वाली है लेकिन मुख्यमंत्री ने उस समय इसको गंभीरता से नहीं लिया जिसका परिणाम सबके सामने है। उन्होंने कहा कि पिछली बार अचानक से लॉकडाउन लग जाने के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया था, एक बार फिर स्थिति उसी तरफ जा रही है और इतनी देरी से बैठक और फैसले लिए जा रहे हैं। पश्चिम चंपारण के अरुण कुमार सिंह दिल्ली रत्न अवार्ड से हुए सम्मानित। करीब 5 दशक से समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पश्चिम चंपारण के अरुण कुमार सिंह को दिल्ली रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। रविवार को दिल्ली विज्ञान भवन में श्री सिंह की अनुपस्थिति में उनके सुपुत्र पद्मेश पद्माकर ने सम्मान ग्रहण किया। देश के भूतपूर्व चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल ने उन्हें सम्मानित किया। बता दें कि दिल्ली रत्न अवार्ड अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश के चयनित लोगों को दिया जाता है। श्री सिंह करीब 5 दशक से वन विकास भारती सेवा संस्थान के माध्यम से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार पूरी तरह से है तैयार। देश भर में बढ़ते कोरोना केस के बाद अलग अलग राज्यों में एक बार फिर से प्रवासी मजदूर अपने राज्य बिहार को लौटने लगे हैं जिसके बाद से ही हजारों की संख्या में लौट रहे मजदूरों को अपने राज्य लौटने के बाद रोजगार की समस्या भी घेर रही है। इसके तहत ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इन मजदूरों को लेकर विभाग की तैयारी के बाबत जानकारी दी है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जो भी बिहारवासी अपने घर लौट रहे हैं उन्हें रोजगार देने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। इसके तहत पुरुषों को मनरेगा और महिलाओं को जीविका समूह से जोड़ने के लिए सभी को निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति मजदूरी करना चाहेगा उसे 100 दिन का काम दिया जाएगा। इसके अलावा इस बार भी जॉब कार्ड बनाने की तैयारी की जा रही है।
बिहार विकास मिशन की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश ने जारी किए अहम दिशा निर्देश। बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की बैठक का आयोजन बीते दिन करवाया गया था। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शासी निकाय की हुई बैठक में यह तय किया गया कि सरकार के सभी विभाग अपनी योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि हर हाल में सरकार की तरफ से तय किए गए योजना लक्ष्य को अब हासिल करना होगा। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी, मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह, उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार और राज्य के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मिली मंजूरी। राज्य में कोरोना वैक्सीन की कमी होने की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है। फिलहाल इस रूसी वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अब हाल ही के दिनों में वैक्सीन की कमी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर विराम लगता दिखेगा। आपको बता दें कि इसकी मंजूरी वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट कमेटी ने देश की वैक्सीन की बढ़ती मांग को देखते हुए लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पुतनिक वी की सफलता 91.6% रही है। रूस की RDIF के साथ स्पुतनिक वी को लेकर करार हुआ है, जिसके मुताबिक प्रत्येक साल 10 करोड़ से अधिक डोज भारत को उपलब्ध कराए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए हैं। इसके तहत तेजस्वी ने बीते दिनों जारी हुए कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को बदतर बताया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था मरणासन की स्थिति में है और इसको लेकर कैग द्वारा जारी रिपोर्ट ही प्रमाण है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि नीति आयोग के अनुसार बिहार स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी मानकों पर निचले पायदान पर है। वहीं सीएम नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 167 वर्षों में आईसीयू में भर्ती बिहार की मरणासन स्वास्थ्य सेवा के दोषी नीतीश कुमार है, तो हम सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या हड़प्पा काल को दोष क्यों ठहराए। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने की नई कार्यकारिणी का गठन। राज्य में विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों से जीत दर्ज करने वाली बिहार भाजपा लगातार अपने कार्यकारिणी का विस्तार कर रही है। इसी क्रम में भागलपुर में भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसके तहत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार भागलपुर जिला के लिए दीपक शर्मा को प्रकोष्ठ का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया। इसके तहत पार्टी आम लोगों से जुड़ने के लिए जिले में अभियान चलाएगी। वहीं कार्यकर्ताओं का मानना है कि नए प्रकोष्ठ में शामिल कार्यकर्ता जिले के सभी हिस्से में गर्मजोशी के साथ केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब घर बैठे बैठे जाने करीबी पासपोर्ट ऑफिस का पता। पासपोर्ट से जुड़ी सभी जानकारी अब आप घर बैठे बैठे आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आपको पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाना होगा। यहाँ दिए पासपोर्ट से जुड़ी सभी जानकारी अब आप घर बैठे बैठे आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आपको पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाना होगा। यहाँ दिए गए पासपोर्ट ऑफिसेज ऑप्शन पर जाकर पासपोर्ट ऑफिसेज इन इंडिया विकल्प पर क्लिक करें। अब बाईं तरफ ढेर सारे आपको विकल्प मिलेंगे। लोकेट पासपोर्ट सेवा केंद्र पर क्लिक करें। यहाँ पासपोर्ट ऑफिस और पिन कोड के दो विकल्प दिए जाएंगे। पिन कोड को सिलेक्ट करें। अब अपने शहर का पिन कोड डालें। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। लाल किले का 1648 में निर्माण आज के दिन पूरा हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना आज के दिन की। भारत में 1939 में अंग्रेजों के साथ हथियारबंद संघर्ष के लिए हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन आज के दिन हुआ था। देश का पहला ध्वजवाहक जहाज INS 1978 में दिल्ली सेवा मुक्त आज के दिन हुआ था। आज के दिन को जालियांवाला बाग स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार वर्मा मलिक का जन्म 1925 में आज के दिन हुआ था। फिल्म अभिनेता बलराज साहनी ने 1973 में दुनिया को अलविदा आज के दिन कहा था। मैच से पहले रोहित शर्मा ने कोलकाता के खिलाफ किया खास अभ्यास। 5 बार के विजेता रही मुंबई इंडियंस का आज कोलकाता के साथ मुकाबला होने वाला है। हालांकि इस मुकाबले से पहले ही मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी खास तैयारी कर ली है। बीते दिन वो नेट्स पर खास प्रैक्टिस करते नजर आए थे। इसको लेकर मुंबई इंडियंस की तरफ से भी इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो शेयर किया गया था, जिसमें कैप्शन में लिखा गया था कि जब हमने आज रोहित को गेंदबाजी करते देखा, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, जिसको लेकर यूजर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही आज मुंबई और KKR एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं, जहां KKR ने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की थी। वहीं मुंबई को RCB के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद आज यह दोनों टीम जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। दीपिका पादुकोण ने MAMI के चेयरपर्सन पद से किया इस्तीफा।
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बाबत उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए बताया है कि वो MAMI के चेयरपर्सन के पद से इस्तीफा दे चुकी है। उन्होंने बताया है कि यह फैसला फैंस के साथ खुद ही शेयर कर रही है। इसके साथ ही इसके पीछे का कारण भी पोस्ट में बताया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दीपिका ने यह पद 2 साल पहले ही ग्रहण किया था, जहां उन्होंने किरण राव को रिप्लेस किया था। उस दौरान दीपिका ने MAMI से जुड़ने पर खुशी जाहिर की थी। वहीं अब दीपिका ने आगे कहा है कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पास इस वक्त जितना काम है उसमें मैं MAMI को उतना फोकस और ध्यान नहीं दे पाऊंगी जितना इसके लिए जरूरी है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 12 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,750 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,750 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,200 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो ये 92.93 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 56.32 रुपए प्रति लीटर था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज आएंगे पटना। केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद आज पटना आने वाले हैं। रविशंकर प्रसाद आज दोपहर 3 बजे पटना के IGIMS आ जाएंगे, जिसके बाद वो कोरोना टीके के उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में कोरोना की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। ऐसे में हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीते दिन ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बातचीत की। उन्होंने पटना एम्स को कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित करने की मांग रखी है। इसके साथ ही साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बातचीत कर PMCH और NMCH में बेड बढ़ाने और अन्य सुविधाओं को बढ़ाए जाने की मांग रखी है। रविशंकर प्रसाद खुद भी कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं, जिसके बाद अब वो दूसरों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। PMCH में जीवित कोरोना मरीज को मृत बनाने का मामला आया सामने। राजधानी पटना में बीते 11 अप्रैल को PMCH प्रशासन द्वारा कोरोना पीड़ित जो कि एक जिंदा व्यक्ति था उसे मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद उनके शरीर को उपलब्ध कराने का मामला भी सामने आया था। दरअसल बाढ़ के महमदपुर निवासी एक पेशेंट को संक्रमित होने के कारण PMCH भर्ती कराया गया था, जिसके बाद PMCH प्रशासन ने उक्त जिंदा मरीज को मृत बताते हुए उनके भाई को दूसरे व्यक्ति का शव दे दिया था। वहीं इस मामले को लेकर पटना जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए PMCH के प्रचार और अधीक्षक से जांच रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही दोषियों पर 24 घंटे के अंदर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विक्रम कुमार, सिंधु कुमारी, घनश्याम कुमार, विनय कुमार, फुलेंद्र राम, शिवजीत सिंह, अशोक कुमार, गौतम मौर्य, जितेंद्र कुमार, शिवेंद्र सौरभ, छोटू कुमार, मोहम्मद इमरान आलम, अनिल मिश्रा, सिंटू कुमार, गौतम मांझी, अंकित कुमार, राजू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के बढ़ते माहौल के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए आगामी CBSE की परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर रोक लगा देनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।